जय गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मुहूर्त के शुभ मुहूर्त के वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। एक कॉमन सवाल सभी का आ रहा है कि सास ससुर और माता पिता जिनके ना हों तो उन्हें क्या करना चाहिए। फूल गुलाब के अगर ज़्यादा ना मिल पाए तो हम क्या करें। देखिए, इस पर भी संडे कमेंट बॉक्स में मैंने सभी सवालों के जवाब दे रखे हैं, तो उस वीडियो को आप देखें ताकि आपके सारे सवाल, आपके सारे संशय दूर हो जाएं। तो इनका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की खास वीडियो है, हाँ बीच में एक चीज़ बता दूँ, खबरी ऐप के ऊपर भी ऑडियोज अपलोड की हैं, तो उनको भी आप एक बार सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं वो। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हनुमान जयंती। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी उत्तर भारत में हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। हनुमान जी का प्राकट्य कार्तिक कृष्ण चतुर्थी मंगलवार को अर्धरात्रि में मां अंजना देवी के उदर से हुआ था। दीपावली पर, धनतेरस पर, नरक चतुर्दशी पर केवल मां लक्ष्मी का पूजन नहीं होता, साथ में हनुमान जी का भी पूजन होता है। हनुमान जयंती है उस दिन, तो इस बार हनुमान जयंती पड़ रही है 13 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, पीछे थोड़ी सी नॉइज चल रही है क्योंकि घर में काम चल रहा है, दिवाली का समय है तो सफाइयाँ आदि चल रही हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो प्रातः का स्नान आदि करके हनुमान जी की व्रत उपासना का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद हनुमान जी के विग्रह को उनकी मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। चमेली का तेल मिक्स करके, चमेली का तेल ज़्यादा यहाँ पे महत्व रखता है, तो चमेली का तेल सिंदूर में मिलाकर शरीर पर पूरे लगाना चाहिए। उसके बाद पुरुष नाम के पुष्प, पुरुष नाम के फूल जैसे हजारा, गुल हजारा आदि ये चढ़ाने चाहिए, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद प्रसाद में आपने चूरमा, केला, अमरूद ये सब चढ़ाना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूजन यहाँ पे किस चीज़ का करना चाहिए, तो आपको बता दूँ, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर जागरण नहीं कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और इस समय में हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र करने चाहिए जो, देखिए हर एक इन जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वो निदान करना चाहता है, तो ऐसा समय हनुमान जयंती का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय का सदुपयोग कीजिए और कुछ मंत्र आपको बताऊंगी, 4-5 मंत्र आपको बताऊंगी और कुछ ऐसी परेशानियाँ जो हर एक की लाइफ में होती हैं, तो उन परेशानियों से निदान पाने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। एक माला, ये जो भी मंत्र बता रही हूँ सभी की, आप एक एक माला कर लेंगे तो भी ये मंत्र और ये पूजा, आपकी साधना ज़रूर फलित होगी और आपके सभी संकट दूर होंगे, आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। तो सबसे पहला आपको मंत्र बताने जा रही हूँ प्रेत बाधा दूर करने के लिए। ये मंत्र इतना पावरफुल है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप करते हैं इस रात्रि को, हनुमान जयंती की रात्रि को, तो आपके घर पर या आपके ऊपर कोई ऐसी ऊपरी हवा है तो वो आपकी दूर हो जाएंगी, आपको इससे निजात मिलेगी। उसके बाद है मनोकामना पूरी करने का। मनोकामना किसी भी प्रकार की आपके मन में इच्छा है जो अभी तक आपकी नहीं पूरी हुई है, तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस मंत्र के उच्चारण से निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी होगी कुछ ही आने वाले दिनों में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शत्रुओं और रोगों पर विजय पाने के लिए। देखिए, लाइफ में शत्रु हर किसी के किसी ना किसी कारण से बन ही जाते हैं, और दूसरी चीज़ है रोग, कोई ना कोई रोग शरीर को लगे ही रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से निदान पाने के लिए आपको ये मंत्र करना है। इस मंत्र का एक माला उच्चारण करना है। माला में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है संकट, संकट दूर करने का मंत्र। संकट, किसी भी प्रकार का संकट, आपके ऊपर अचानक से कोई संकट आया है,
अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ है, अचानक से कोई विपदा आ खड़ी हुई है, तो इन सब चीज़ों से निदान पाने के लिए ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, कर्ज से मुक्ति। भाई आप कर्ज के तले दबे हुए हैं तो जीवन वैसे ही ख़त्म सा लगता है, क्योंकि जब इंसान कर्ज में डूबा हुआ होता है तो नींद तो वैसे भी रात को नहीं आती। तो इन चीज़ों से निदान पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। और इस चीज़ का सभी को ध्यान है, पता है हनुमान जी की पूजा अर्चना किस लिए की जाती है। भय से मुक्ति हो, ऊपरी हवा हो, तो हनुमान जी को याद किया जाता है। तो ये सारे सभी संकट हनुमान जी की ही कृपा से दूर होंगे। तो इस दिन ये मंत्र आप करना बिल्कुल ना भूलिए, इनको कीजिए, अपने जीवन में सुखमयता लेके आइए, सुख समृद्धि लेके आइए। और साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन तो आप करेंगे ही, आपको करना ही है, सभी करेंगे। साथ में हनुमान जी का भी इस समय में भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है, कुबेर देवता का पूजन होता है, तो इन सब का पूजन करना भी आप ना भूलें। इनके बारे में पूरी डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और अपने मित्रों दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिले। तो अगर उनको लाभ मिलेगा तो आपको उनसे दोगुना लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से उनको लाभ मिला है। तो किसी का भला करना और किसी के द्वारा भला होना बहुत ही परोपकार का काम होता है। तो चलिए अभी देती हूँ वाणी को विराम। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन आप नहीं प्रेस करेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वैसे तो मेरी वीडियो अपलोड का समय 7:30 PM इवनिंग का टाइम है, लेकिन इन दिनों काम का जोर होने की वजह से जब भी वीडियो मेरी रेडी होती है तभी मैं अपलोड कर देती हूँ। तो दिन में शाम को आप किसी भी समय एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट जानकारी से अछूते ना रह जाएं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और अगली वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।